क्या लग रहा है कि मतलब परिवर्तन होगा या फिर विकास? दिल के अरमा आंसू में बह गए। ये विकास नहीं कर पाए 10 साल। कौन कहता है विकास नहीं हुआ है? किसी में दम यहाँ पे है, 10-20 हजार 50 हजार लगाना है लगा लीजिए। हमारा नाम अयान अहमद है। क्या कहना चाह रहे हो? ये सर बोले कि 10-20 हजार का बाजी लगा दे, सट्टा बाजार खेलने का शौक में है। भाई 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 एक मिनट बोल रहा हूँ। 2019 में आप लोगों का कितने परसेंट वोट पड़ा था? योगी बाबा क्या कहेंगे, एकदम हम सकल बाबा के। देखिए जिनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है तो उसको तो दिखेगा नहीं। आज पूरा वाराणसी शहर देख रहा है कि कितना परिवर्तन हमारे बनारस शहर में हुआ है, तो इसको नकारा नहीं जा सकता। केवल बनारस में विकास हुआ है नहीं, पूरे देश में विकास हुआ है। अगर बनारस के सांसदीय क्षेत्र लिया जाए कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो अपने बचपन से लेकर अब तक जितना हमने विकास देखा अब तक वो विकास नहीं था। जो 10 साल में हमने देखा इस शहर में अपने, वो विकास कभी नहीं था। वो विकास तो अभी नहीं था, लेकिन ये कह रहे हैं ये अगर मौका मिल जाएगा तीसरी बार मोदी को हैट्रिक लगाने का, तो राहुल गांधी कह रहे हैं फिर ये मनमानी हो जाएंगे और देश के साथ छेड़छाड़ कर देंगे। नहीं, वो अभी विपक्ष रूप में हैं और खिसियाई बिल्ली खंबा नोचने वाली हाल है उनका। वो इसी तरह अनर्गल बातें कर रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। अनर्गल बात कर रहे हैं, एकदम अनर्गल बात कर रहे हैं। जो सक्षमता खुद में नहीं है वो दूसरे की बात क्या कर रहे हैं? अपने क्या सक्षम है वो? राहुल गांधी सक्षम नहीं है यार, एकदम नहीं महाराज जी। क्या है वो? वो है बड़े लेवल पे योगी जी, वो जनसभा कर रहे हैं, लोग उनके पीछे। अरे महाराज जी, उनको लोग पप्पू कहते हैं, वो पप्पू हैं देश के। ये नहीं सुना आपने? ये आपने सुना कि नहीं? बाहर पढ़ के आया हुआ व्यक्ति, पढ़ा लिखा, वो आलू से सोना निकाल रहा है तो सक्षम है। आपने वोट कर लिया? हाँ, ये वो कहाँ से सक्षम है? हाँ। जो आलू को बोल दे रहा सोना बना देंगे हम। हाँ। वो आएगा ठगबंधन। जो विश्वास नहीं है अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस नहीं है, इधर उधर सबको मिलजुल के चल रहा है। हाँ। कभी मायावती को पकड़ रहा है, कभी ममता को पकड़ रहा है। हाँ। कभी अखिलेश को पकड़ रहा है। हाँ। तो क्या करेगा वो? देश चलाने लायक है? हाँ। वो एक छोटे से बच्चे को जब इज्जत नहीं दे रहा है, उसको स्टेज में बुला के। परिवर्तन होगा भाई साहब? परिवर्तन तो होगा। हाँ। इस बार हैट्रिक हो गया। हैट्रिक? हाँ, हैट्रिक हो गया, मोदी जी का हैट्रिक हो गया। कोई क्या नाम हो अच्छा आपका? मोहम्मद शकीर। आपने वोट कर दिया सर? हाँ। एक बार उंगली दिखा दीजिए। नहीं, अभी उंगली अभी देने जा रहे हैं। हाँ। क्या लग रहा है कि मतलब परिवर्तन होगा या फिर विकास पे ही मोहर लगेगी? दिल के अरमा आंसू में बह गए। अरे सुनिए बस आंसुओं में बह गए। आंसू क्यों आया ये दिल में? बस समझने वाले समझ गए, इशारा काफी है। परिवर्तन? हाँ, परिवर्तन होगा। हाँ जी भाई साहब। अरे भैया कौन कह, आंसुओं में बह गए, उनका दिमाग सनक गया, उनकी बात छोड़िए, उनका दिमाग सनका हुआ है। कौन कहता है कि मोदी जी ने? अरे भैया कौन, अरे नहीं बोलते हैं वो, बातें नहीं करेंगे। भैया कौन कहता है कि मोदी जी ने काम नहीं किया है? मोदी जी की सरकार बनेगी भी, 4 तारीख को जा रहे हैं, विदाई हो रही है, हवा में ये सब खुदे निकल जाएंगे, आप देख लेना। अगर यहाँ पे कोई है 10-20 हजार रुपए हमसे लगाने वाला हो तो लगा ले, हैट्रिक हो रहा है। मैं दांव चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, अगर किसी के पास कोई भी हो, ठगबंधन हो, अखिलेश हो, टोटी चोर हो, किसी में दम यहाँ पे है, 10-20 हजार 50 हजार लगाना है लगा लीजिए, हैट्रिक इस बार हो रहा है। कॉन्फिडेंस कैसे भाई साहब? अरे विश्वास है, विश्वास है। ऑल इंडिया घूमते हैं, ऑल इंडिया घूमते हैं, पूरे भारत वर्ष में घूमते हैं, ये देखिए, ये लेकर घूमते रहते हैं। अपना हुआ फोर व्हीलर हुआ खड़ी है, घूमते रहते हैं, विकास को देख रहे हैं हम, इसलिए हैट्रिक है। और इसके बाद बाबा जी है, उसके बाद बाबा जी है, उसके बाद बाबा जी, तीन कोई देश में नेता नहीं है। हाँ नहीं है, नहीं, सब ठगबंधन है, सब ठगबंधन है, सब कह रहे हैं इस बार संगठन एकदम मजबूत। टोटी चोर है, टोटी चोरी करते रहेंगे, वो टोटी चोर है, टोटी चोर करते रहेंगे। यूपी में विकास अखिलेश का नहीं देखा? क्या विकास किए? सामने घाट का पुल बनवा रहे तो पानी में गिर गया बनारस में। हाँ, निकला नहीं, हमारे योगी जी आए, उसको 4 महीना में बना के दे दिए, आज बनारस और रामनगर को जोड़ दिए। अभी और कितना विकास हम आपको जोड़वाए? बिल्कुल, अभी कितना विकास जोड़ा? आप हाईवे में चल जाइए, कहीं भी चल जाइए, आपको विकास ऑटोमेटिक देखेगा। क्या कहेंगे योगी बाबा? ये तो कह रहे हैं कि योगी आएंगे, अब देश को योगी ही चलाएंगे क्या?
भाई, ये भविष्य की बात है, इसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। वैसे देश हमारा जिस प्रकार से चल रहा है, ये स्वर्णिम काल है भारत देश का। स्वर्णिम काल है एकदम, जिस प्रकार पूरा विश्व भारत को देख रहा है और भारत का जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, कि पूरा विश्व उनको देख रहा है और उनके कार्य को जिस प्रकार से सराहना किया जा रहा है, पूरे विश्व सराहना कर रहा है, केवल सिर्फ भारत के लोग नहीं, पूरा विश्व उनका सराहना कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष कह रहा है तानाशाह है, एकदम घुसता चला जा रहा है, बर्बाद कर रहा है देश को। भाई हमने आपसे पहले कहा कि जिनके आंख पे काली पट्टी बंधी हुई है, क्या उसको कुछ दिखेगा? वो तो सिर्फ अपना ही दिख रहा है, क्योंकि काली पट्टी के अंदर सिर्फ अपना ही दिख रहा है। वो अपना ही दिख रहा, काली पट्टी के बाहर वो तो देख ही नहीं पा रहा है। वो जब पट्टी उतारे, जो वैमनस्यता का पट्टी जो उसके अंदर भरा हुआ है, जो लगाया नहीं उनसे हमारा, हम उनसे बुराई है, सुबह उठने ही उनको गाली देना है, इस प्रकार कार्य जो कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अयान अहमद है। क्या कहना चाह रहे हैं? ये सर बोले कि 10 से 20 हज़ार का बाजी लगाते हैं, सट्टा बाजार खेलने का शौक में है। हम इनसे बोलना चाहते हैं कि मोदी जी बनारस में के आओ, राजा साहब मत बनो, आप पब्लिक पब्लिक के हिसाब से बात करो, नवाब मत बनो, आओ ना। देखिए ये बोले कि 10 से 20 हज़ार का सट्टा बाजार खेल लेते हैं, हम इनसे बोलते हैं मोदी जी बनारस में कितने से वोट से चुनाव जीतेंगे, आप बता दीजिए। नहीं, ये इनसे पूछ लीजिए, हार रहे हैं क्या? ये इनसे पूछिए, हार रहे हैं क्या? ये पूछिए कि बोले 10 लाख से जीत जाएगा, हम ये बोले 10 लाख से जीत, 2 बिस्सा जमीन इनके नाम कर देंगे, हम 10 लाख वोट से जीत जाएंगे। तो बोलो 2 बिस्सा जमीन तुम्हारे बताया कहाँ से, बताओ 2 बिस्सा जमीन कहाँ से आया? बेरोजगारी है हमारा खुद का। अरे 5 किलो, एक मिनट, बेरोजगारी 5 किलो, भाई साहब भाई एक मिनट रुक जाओ, 5 किलो चावल में आप ले बिकते हैं, बेरोजगारी है 5 किलो चावल में आप। अरे सुनो यार, ए अयान, नहीं लेते तुम, अपना आधार कार्ड बताओ, अपना आधार कार्ड बताओ, तुम कहाँ के रहने वाले? यही के रहने वाले, बनारस के, सुनापुरा में। हम नमक हमारी नहीं करते हैं, बात सुनने को भी चुन सकते हैं, हम भी यादव हैं, अखिलेश को दे सकते हैं, पर देश को देखो, राष्ट्र को देखो। अगर यही तुम अभी जाओगे हज करने जाओगे तो वहाँ पे कहोगे हम भारतीय हैं, यही नहीं कहोगे कि हम मुसलमान हैं। यही तुम अगर हज करने जाओगे 5 साल बाद तो कहोगे कि हम भारतीय हैं, मुसलमान नहीं कहोगे। देखो जात धर्म को मत बांटो, सब लोग एक रहोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे। आज मोदी जी के वजह से बनारस का नाम पूरे वर्ल्ड में है। अब ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बहस करना सामने आकर करो, बस धन्यवाद। लेकिन ये तो कह रहे कि मोदी पे गारंटी लगा लीजिए, हार जाएंगे यहाँ से। तो कहेंगे ही ना भाई, एक सिक्के का दो पहलू होता है, एक तरफ शेर होता है, एक तरफ बत्तख होता है। तो जो सिर्फ लोग बात कर रहे हैं, जो है विपक्ष का पूरा जमानत जब्त हो जाएगा, इस भ्रम में मत रहो। कम से कम 5 लाख वोट से मोदी जी जीतेंगे, ठीक है? वही बता रहे हैं, कम से कम 5 लाख वोट से, 10 लाख का 10 लाख वोट से तो रहा, ठीक है भाई? भाई भाई एक मिनट पूछ रहे हैं, 2019 में आप लोगों का कितने परसेंट वोट पड़ा था? नहीं है वो छोड़ दीजिए, जो मुसलमान को देखिए है कि नहीं, देखिए 4 जून को बात कर रही है, वही सब गंदा बात की है, तू आए यही सब बात की है। अब हमारे 5 लाख वोट से डर होता रहता है ऐसे लोगों को, तो करेगा मुलायम रहते पहले मिल जा रहा। क्या नाम हुआ अच्छा आपका? अरे क्या नाम बताएं आपको, इकबाल अहमद, इकबाल अहमद, इकबाल अहमद। कितनी आयु हो गई लगभग? करीब 70 है, करीब होगी। बहुत बार आपने जो है मतदान दिया होगा? बहुत दिया है। तो 10 साल में कोई विकास हुआ या परिवर्तन? अभी हम नहीं, हम नेतागिरी नहीं करते भाई, नेतागिरी हम नहीं करते। मोदी जीतेंगे इस बार? अभी हम नहीं हम बता सकते हैं, हैट्रिक लगा पाएंगे? हम कुछ नहीं बता सकते। सबका एक महीना पहले कैंप लगा रहा है, आप ये लो तो जाके अपना ठीक करा। नहीं, आप विकास की बात करें, विकास देखिए, विकास पूरे भारत में जितना विकास मोदी जी ने कराया है भैया, कौन कहता है विकास नहीं हुआ है? कौन कहता है मैं किसी प्रधानमंत्री ने इतना विकास, कौन कहता है विकास नहीं हुआ है? मोदी जी की सरकार बनेगी, वही इलेक्शन जीतेंगे,
ठीक है, ये एकदम फाइनल, ज्यादा बात हम नहीं बताएंगे। उनके अलावा कोई जीतेगा नहीं, उन्हीं की सरकार भी बनेगी। और कौन कहता है वो काम नहीं किए? भैया एक मिनट चुप, कौन कहता है कि वो बात नहीं किए, काम नहीं किए, वो काम नहीं किए? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम तो उन्हीं कोर्ट देने जा रहे हैं। 400 पार के ऊपर जो उनका नारा है मोदी जी का, 400 पार जाएगी, और पूरे विपक्ष किया सोपड़ा साफ हो जाएगा इस बार। अखिलेश यादव कह रहे 400 हार होगी। अखिलेश यादव का गई तेल लेने, अखिलेश यादव अपना काम करे, ठीक है। अखिलेश यादव क्या किए हैं, हैं राम मंदिर बन गया, अखिलेश यादव का परिवार क्या किया देश के साथ, हैं ठीक है। 400 पार का नारा मोदी जी का पूरा होके रहेगा, ये देख लीजिएगा। अब पूरे विपक्ष भजन करते नजर आएंगे, जान लीजिए। ये लोग का राज है, इन्हीं लोग का भर रहा है। गरीबों को पहले जो आता है मिट्टी का तेल मिल रहा था, चीनी मिल रहा था, गेहूं मिल रहा था, अब क्या मिल रहा है? सब मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 2.5 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, पूरी जनता को क्या मिल रहा है? राहुल गांधी कह रहे 10 किलो। राहुल गांधी कह रहे हैं ना, कोई करके तो दिखावे। राहुल गांधी कह रहे 10 किलो देंगे। अरे 10 किलो देंगे, वो तो 300 भर्ती भी कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो तीन लाख। आप अपना बताइए, आपको क्या लगता है राहुल गांधी देंगे 10 किलो? युवा है भाई, युवा है वो, 50 साल की उम्र होगी उनकी। आप उनको युवा कह रहे हैं? आप उनको युवा कह रहे हैं? राहुल गांधी को युवा कह रहे हो? 50 साल के बुढ़ावा आदमी के युवा बता। काशी में हुआ, इतना इससे पहले कभी हुआ ही नहीं है। और क्या, आज के दिन में 24 घंटे लाइट, आज के दिन में पानी की व्यवस्था बढ़िया, रोड की व्यवस्था बढ़िया, एजुकेशन सेफ्टी सब चीज में देखिए जाए तो हमारे भाजपा के वजह से ही हुआ है। भाजपा के वजह से ही आज के दिन में इतना डेवलपमेंट है। आज लोग बाहर से बनारस में जॉब करने आ रहे हैं, बाहर से जॉब करने आ रहे हैं। और क्या चाहिए आपको?